इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ बीजेपी की जनविरोधी नीतियों और तानाशाही के खिलाफ करारा हमला किया है। संसद के दोनों सदनों से आश्चर्यजनक रूप से विपक्षी दल के सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में शुक्रवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर दास की अध्यक्षता में सदर अनुमंडल कार्यालय के समक्ष इंडिया इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के सहयोगी दलों के साथ मिलकर केंद्र की तानाशाही मोदी सरकार और सांसदों के निलंबन और लोकतंत्र को बेरहमी से खत्म करने के खिलाफ सामूहिक केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने जमशेदपुर जिला मुख्यालय में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस जेएमएम आप तमाम पार्टियों के नेता मौजूद रहे और एक स्वर से केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जेएमएम विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश को खोखला बना रही है। केंद्र सरकार तानाशाही रवैये से पूरे देश पर एक तरफा राज कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकने का दावा किया। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से तानाशाही रवैये से सांसदों को सदन के बाहर निकालने का काम कर रही है और बिल पास करवा रही, यह काम देश हित में नहीं हो रहा। केंद्र सरकार मनमानी कर रही है। तेरह दिसंबर को आपने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि संसद के घटना का जो बरसी था 22वां, उस पर किस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। लोकसभा में, लोकसभा के अंदर कुछ लोग घुस गए, अफरा तफरी का माहौल हुआ। वो लोग स्मोक केन तक लेकर के अपने साथ गए थे और स्मोक केन को छोड़ा गया। पूरे विश्व में भारत के सुरक्षा व्यवस्था पर छीछालेदर हुआ, पूरे विश्व में भारत के सुरक्षा पर एक क्वेश्चन मार्क लगा। जब ये बातें सामने आई तो पता चला कि उन्हीं के पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के ही मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा ने इस लोगों को संसद के अंदर जाने की अनुशंसा की थी। उनके आधार पर पास निर्गत हुआ। सांसद महोदय से पूछताछ करने की जगह इन लोगों ने उन सांसद को बचाने के लिए क्लर्कों को जो पास निर्गत करते हैं सस्पेंड किया, उन पर कार्रवाई की। 13 दिसंबर को सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में इंडिया गठबंधन के बैनर तले सभी घटक दलों की तरफ से देवघर में केंद्र सरकार के विरोध में पैदल मार्च किया गया। इस विरोध में भाकपा मार्क्सवादी के वरिष्ठ नेता वृंदा कारात, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष संजय शर्मा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष उदय प्रकाश समेत सभी घटक दलों के नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देवघर के वीआईपी चौक से निकले इस विरोध मार्च में नेताओं ने जमकर मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए टावर चौक पहुंचे और पैदल मार्च का समापन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। हमारे झंडे अलग, हमारे दल अलग, हमारा मंशा एक है, इस देश को बचाने के लिए। इस देश की संसद को मोदी सरकार, बीजेपी, आरएसएस की जॉइंट वेंचर के हमले से बचाने के लिए आज हम लोग सब एक हैं। ये शर्म की बात है कि हमारे जनवादी प्रणाली के इतिहास में कभी दिखाई नहीं दिया कि 150 एमपी को आपने बाहर किया। इसी सवाल को लेकर कि भाई उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा यहाँ आकर बयान दीजिए, उन्होंने गृहमंत्री को कहा यहाँ आकर बयान दीजिए। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री बयान नहीं देंगे तो आप बताइए कौन से देश के प्रधानमंत्री को हम बुलाएंगे बयान देने के लिए अपने संसद। तो ये एक साजिश है। हमारे झंडे अलग, हमारे दल अलग, हमारा मंशा एक है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को निलंबित करने के विरोध में इंडिया गठबंधन में शामिल घटक दलों ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में रांची के जिला स्कूल से राजभवन तक विरोध मार्च निकाला गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने सांसदों के निलंबन को लेकर विरोध जताया। हमारा जो जब से मोदी जी का सरकार आया है, धीरे धीरे फांसीवादी का जो एक नेचर है इस देश में वो बढ़ते जा रहा है। हाल ही फिलहाल में उन्होंने हद कर दिया है, पार्लियामेंट से लगभग 140 से अधिक सांसद को निलंबन किया गया है।
अगर ऑपोजिशन में लोग बैठ के सवाल नहीं करेंगे, लोगों के हित में बातों को नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। और इस दौरान इस बारे में चर्चा नहीं किया जा रहा है, मगर बहुत अहम अहम बिल्स को वहां से पारित कर दिया जा रहा है बिना चर्चा किए हुए, बिना चर्चा कराए हुए। देखिए कहां तीन है और 150 हो गया। हाँ शेयर बाजार की तरफ, एकदम शेयर बाजार है क्योंकि उद्योगपतियों का सरकार। क्या अंजाम है इसका, ऑप्टिमम क्या रिजल्ट हम देखें? अब सरकार, जनता देगी इसका जवाब। उसके लिए ज्यादा भी है, 5-6 महीने हैं उससे पहले सड़क पर। नहीं नहीं, अब तो लोग आ गए। आज बहुत अच्छी तस्वीर हम लोगों ने देखी है, एक साथ एक आसमान पर जेएमएम के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, टीएमसी के, लेफ्ट की निशान एक साथ थे। क्या इसी तरह का तस्वीर हमें देखें? इस बार का चुनाव में हमारा घोषणा पत्र भी एक होगा, अपने अपने मुद्दे उसमें रहेंगे लेकिन घोषणा पत्र एक होगा। एक थोड़ा सा ये माने कि थोड़ा सा ये जितना कहना आसान हो रहा, प्रैक्टिकली से इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे क्या कोई विवाद है क्या? हर तरफ लोग परेशान हैं और परेशानी की हालत ये हो गई है कि कोई बेरोजगार जाके सदन में कूद जाता है और उसको जेल के सलाखों के पीछे रखा जाता है। जो सांसद भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, जिसने पास मुहैया कराया है, एक तरह से उन बच्चों को फंसाने का की साजिश रची है, षड्यंत्र किया है, वैसे सांसद को छोड़ा गया है। और उस बात को अगर हम कहते हैं कि इसमें गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी बयान दे दें, तो हमारे सांसदों को, 145 सांसदों को बाहर कर दिया जाता है, जो करोड़ों लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं, करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने देखा किस तरह से कल राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ बोल रहे थे, अपने जात के बारे में भी बताया, अपने किसान वर्ग के बारे में भी बताया, किसान की बेटी, जाट की बेटी साक्षी मलिक दुखी होकर आंसू गिराते हुए उसको ब्रजभूषण सिंह के चलते संन्यास। इंडिया गठबंधन घटक दलों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लोहरदगा समाहरणालय स्थित मैदान में धरना प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन घटक दलों की तरफ से लोहरदगा समाहरणालय स्थित मैदान में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान घटक दलों के नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार और RSS को देश में नफरत फैलाने का कारण बताया। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश में नफरत की राजनीति कर अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर रही है। इधर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सुखदेव भगत ने कहा कि मोदी सरकार सांसदों की आवाज बुलंद करने पर रोक लगाना चाह रही है, जो कि लोकतंत्र की हत्या है। इंडिया गठबंधन के द्वारा आज लोहरदगा में एक दिवसीय प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हुआ है। अहंकारी, निरंकुश और बेहद डरपोक और बेशर्म मोदी जी की सरकार के खिलाफ यह धरना प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का मानना है, यहाँ के लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का जो कुकृत्य है उसके विरुद्ध यह धरना है। क्योंकि जो देश के सर्वोच्च पंचायत है, संसद में अगर प्रश्न करना क्या गुनाह है क्या? अगर संसद की सुरक्षा के संदर्भ में अगर माननीय सांसदों ने प्रश्न किया तो क्या गुनाह है? किसानों के बारे अगर बात उठाता तो क्या गुनाह है? अगर देश को जो पूंजीपति, जो फासिस्ट शक्ति अगर खोखला कर रही है उसके बारे में प्रश्न कर रहे हैं तो वो क्या गुनाह है? किसानों के बारे, महिलाओं के बारे, बेरोजगार युवाओं के बारे, महंगाई के बारे, क्या इनके बारे चर्चा हम नहीं करें? और तो और, अगर हम संसद में जो मोदी जी 56 सेना की बात करते हैं, देश सुरक्षित है, जब उनके नेतृत्व में हमारा संसद ही सुरक्षित रही है तो देश कैसे सुरक्षित? इंडिया गठबंधन के द्वारा आज लोहरदगा में एक दिवसीय सांसदों के निलंबन के खिलाफ शुक्रवार को इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं ने जेपी चौक स्थित पुराना नगर निगम परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। इससे पूर्व झंडा मैदान से केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते कार्यकर्ता जेपी चौक पहुंचे और धरने पर बैठ गए। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष को भी सम्मान देने की अवधारणा रही है, पर दोनों सदनों में विपक्ष की आवाज को बंद किया जा रहा है। फिलहाल देश में लोकतंत्र नहीं, लोक आगे और तंत्र पीछे चल रहा है। उन्होंने कहा कि इतिहास ने कई करवटें ली है। अंग्रेजों के 200 साल के दमन का अंत भी पुरखों ने किया। तानाशाही के दौर गुजरे और देश में जारी तानाशाही शासन का भी एक दिन अंत होगा।
सरकार कर रही है। इस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की अवधारणा किसी न किसी स्वरूप में विरोधी पक्ष को भी सम्मान देने की रही, लेकिन जब संसद के दोनों सदनों से यह परिस्थितियां बने कि विपक्ष की आवाज को ही बंद कर दिया जाए, तो जरूर से यह लगता है कि लोकतंत्र की इस अवधारणा या हालिया दिनों में चल रहा भारतवर्ष का लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं रहा है। अब ये तंत्र आगे हो गया और लोक पीछे हो गया है।